24 आवर्स टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। गायों के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार में गायों का क्या हाल है? अगर आपको देखना है तो आप हमीरपुर आइए और यहां भूखे प्यासे से तड़प कर मरती हुई गायों को देखिए। यह गौशाला हमीरपुर के सरीला कस्बे की है। यहाँ उन अन्ना जानवरों को बंद किया गया है जो किसानों की फसलों को तबाह और बर्बाद करने में लगे थे। किसानों ने जब हाहाकार मचाया तो उस सत्ते में आई योगी सरकार ने स्थायी और अस्थायी गौशाला बनवाकर अन्ना जानवरों को बंद करा दिया, लेकिन इन जानवरों के खाने पीने का कोई उचित बंदोबस्त नहीं किया। नतीजतन यह बेजुबान जानवर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने शुरू हो गए और सरीला कस्बे की इस गौशाला में आधा दर्जन से अधिक गाय भूख से मर गई। गायों की मरने की सूचना पर एसडीएम को आना पड़ा और उनके सामने ही गायों के शव को गौशाला से खींच कर ले जाया गया, जिसमें कुछ गाय मरी हुई थी तो कुछ मरणासन्न हालत में थी। गाय भूख और प्यास से क्यों मर रही है, इनके लिए भूसे और चारे का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया, उस पर एसडीएम जांच की बात कह रहे हैं। अब डेली के लिए क्या कहते हैं, भूसा डलवाने के लिए एक समिति बनाई जा रही है जिसमें मेंबर रहेंगे और डेली भूसा खरीद के डलवाया जाएगा। और कल की जो घटना हुई है, भूसा नहीं डाला गया, इसकी जाँच कराई जाएगी और संबंधित खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर, आज दिन ये गाय इसके लिए आज वेटनरी डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, उनको डेली कहा जाएगा कि डेली आके जो भी बीमारी वगैरह से होता है उसकी दवाई कराई जाएगी, जिससे गाय की देखना हो। भूसे चारे की बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार पहले ही धन आवंटित कर चुकी है। वो धन कहाँ गया, कहाँ जा रहा है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है और बेजुबान जानवर बेमौत मर रहे हैं। नगर पंचायत की अस्थायी गौशाला में भूख प्यास से पशु मर रहे हैं। सभासदों की शिकायत पर सोमवार को निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम को 4 पशु मृत व 2 बीमार मिले। यहां कई दिनों से भूसा न डाले जाने की शिकायत पर उन्होंने नगर पंचायत के कर्मचारी को वेतन रोक दिया, व्यवस्था चुस्त रखने के भी निर्देश दिए। हमीरपुर से 24 आवर्स स्टूडियो न्यूज के लिए तेज सिंह की रिपोर्ट।